ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, जिसमें ये चारों का चारों क्वेश्चन काफी ही इजी क्वेश्चन है, और इजी नहीं है ये हार्ड है, ठीक है, इजी नहीं है। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, 2s दे रखा है, 25 मत पढ़िएगा, 2s दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि s माइनस a का स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर प्लस s माइनस c का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। हालांकि इसका आंसर एक आता है। अब इसे बनाने के कुल दो तरीके हैं, और भी इजी वे में। अगर इसे हार्ड ले जाएंगे तो काफी लंबा बनेगा। इजी वे में एक तरीका है कि आप इसे एक बार पुट करके देख ले, पुट करने पे काफी इजी बनता है। मान लें कि अगर यहाँ पे अगर मैं इसे दो रखूँ, ये भी दो रखूँ और ये भी दो रखूँ, तो कुल मिला के इधर 6 हो जाता है, तो 6 इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एस की जगह कितना होगा, ये 3 होगा। तो मतलब एस में से एक का स्क्वायर, मतलब 3 में से 2 का स्क्वायर गया, तो सॉरी 3 में से 2 का 2 गया तो एक, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, और फिर 3 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कुल मिला के कितना होगा, 12 हो गया। 12/12 कितना, 1। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 1। और दूसरा तरीका इसे बनाने का, तो अधिकतर टीचर इसे बनाते ही है, मगर इसे बनाना नहीं है, आप डायरेक्ट ये पुट करके आप रिजल्ट निकाल लीजिए, ठीक है, ये काफी इजी बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि यदि a बराबर 2 प्लस 2 पावर 1 बाई 3 प्लस 2 पावर कितना 2 बाई 3 है, तो आपसे कह रहा है कि a क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप पुट करके तो बना नहीं सकते, इसे डीली करना पड़ता है। तो जो दे रखा होता है पहले उसे हम लिखेंगे कि आपको जो दे रखा है a बराबर 2 प्लस 2 को अगर इधर में ले आओ तो ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 पावर 1 बाई 3 प्लस 2 पावर कितना 2 बाई 3 ये होगा। अब मुझे इसे गायब करना है तो क्यूब वो साइड कर देता हूँ, तो a माइनस b का क्यूब करूँगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह 8 हो जाएगा, माइनस 3ab माइनस 3ab तो ये कितना हो जाएगा, 3 दो 6a एड टू a माइनस b, a माइनस b मतलब a माइनस 2 बराबर, इधर भी यही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी ये 1/3 है, ये 2/3 है, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 9 इंटू ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस 2 सही है। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस 8 माइनस 6a स्क्वायर 6 दूना कितना 12a, 12a माइनस माइनस प्लस 12a और ये 6 और इसके बाद प्लस 9a अब माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, इसके बाद जो हो जाएगी सॉरी ये तो 2 पे पावर 2 ए बी 2 पावर 1 3 दूना 6 होगा, 9 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, 6a हो अब माइनस 6 दूना कितना 12। तो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर ये 6 इधर ले आऊँगा तो ये कितना होगा, ये पहले से ऑलरेडी 12 12 में 6 गया तो आपका 6 हो जाएगा प्लस 6a, इसके बाद ये इधर माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 8 × 6 = 14 में से 12 गया तो कितना 2, यानी कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a बराबर कितना है आपका 2 आया। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 2 ही होगा, और इससे कोई इजी तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन का बनाने का, ठीक है। ये हालांकि एसएससी में बहुतों बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे आप बनाने के तरीके पे, ठीक है, बिना ऐसे आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब तीसरा और चौथा नंबर एकदम हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी बनता है, वो कैसे मैं बता देता हूँ आपको। यदि पी क्यू प्लस 3p² - 3p = 1 है
आप कोई बच्चा इसे अगर डील करेगा तो सबसे बड़ा मुख्य है, ठीक है, उसे डील नहीं करना, 9th 10th के बच्चे इसे डील करते। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, HUM करता हूँ, एक रखूंगा, एक पी की जगह एक रखूंगा, एक पे तो एक ही होगा, ये 3p का स्क्वायर माइनस 3 होगा, माइनस 3p, 3 में 3 गया तो 0 और प्लस 1, 1 = 1, इसका मतलब ये है कि p की जगह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 2 को p से गुणा करूंगा कितना होगा, 1 + 2 = कितना, मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। डिट्टो वही काम मुझे इसमें करना है 4 नंबर में, यहाँ पे मैं एज्यूम ही करूंगा PQ + 3P² + 3P है, यहाँ पे P की जगह 1 रख के देखता हूँ, तो 1 और 3 4 4 3 7, ये भी हो गया, यानी कि P की जगह कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2P मतलब 2 = कितना, 3, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा आपका, 3 ही आएगा, इसके जगह इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर तो भाई राम 1 ही है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरह ही बनता है बिल्कुल, और ये 5 नंबर जो है 2 नंबर से थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, x बराबर कितना दे रखा है, 2 - 2 पावर 1/3 + 2 पावर 2/3। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो x - 2 = 2 पावर 2/3 - 2 पावर कितना, 1/3, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब AQ - BQ पे बैठा देता हूँ, ये x³ - 8, ठीक है, माइनस 3 × 6 एक्स हो जाएगा, 3 × 6 एक्स हो जाएगा, इसके बाद x - 2 = AQ + BQ, तो ये 2 का क्यूब मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये माइनस आपका 2 होगा, -3 ये कितना होगा, 2 हो जाएगा और इनटू A + B मतलब x - 2 हो जाएगा। अगर x³ - 8 - 6x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 6 × 2 = 12 ठीक है, बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, -2 - 2 - 3 × 6 - 6x और ये -3 + 6 × 6 = 12। आप सबको उठा के इधर ले आओ, x³ - 6x² ये 6 है, इधर 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा और ये -8 है और इधर से कितना बच के आ रहा है, -10, तो ये -18 हो जाएगा, ये इधर कितना है, 18, इधर ये आपका है 12, ये -10 हुआ, इधर आएगा तो माइनस, ये -18 = 0। और लाना आपको कितना है, +18 लाना है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये -8, 2 का क्यूब तो 8 ही होता भाई, 2 का क्यूब तो 8 ही होता है, सही है, और AQ² = 4 हो जाएगा, -2, ये सही है, बिल्कुल सही है, मुझे +18 लाना है और यहाँ -18 आ रखा है, एक बार फिर देख लो तो ये 10 है, -12 - ये +10 हो जाएगा और 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा और -10 और -8 - 18, मुझे +18 लाना है तो इसे तो गायब करूंगा ही, प्लस में 18 को भी गायब करूंगा, यानी कि x² - 6x² + 18x, अब +18 करूंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 36 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो +36 होगा, ठीक है, +36 होगा। आप इसे एक बार देख लें, 4 और -8 तो हो ही गया, 4 और 2 का क्यूब ये 2 ही हो जाएगा, 2 × 4 सही है, 4 में 2 सॉरी ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत किया था,
ये प्लस दो होगा, ठीक है, और ये 12 2 14 इधर आएगा तो 14 - 14 ये कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ये -22 होगा, और 22 में मुझे 18 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +40 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर +40 होगा, ना कि वह 36 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने में आप कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे से थोड़ा गलती हो गया था, माफ करिएगा, ठीक है। और इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन का, तो आप वो एलजेब्रा को वो देखें, और भी है, मैं 3-4 वीडियो और लगातार डालूंगा जिसमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो उसे भी देखें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब।